चीन की जगह वर्ल्ड फैक्ट्री का ख्वाब संजोए बैठा भारत इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग में जबरदस्त तेजी दर्ज कर रहा है। इस बढ़ोतरी में मोबाइल फोन की बढ़ती मैन्युफैक्चरिंग का महत्वपूर्ण रोल है। इसकी वानगी भारत से निर्यात किए जा रहे स्मार्टफोन में नजर आ रही। इंडिया सेलुलर एंड इलेक्ट्रॉनिक्स एसोसिएशन यानी ICEA के आंकड़े के मुताबिक देश से मोबाइल फोन निर्यात अप्रैल से नवम्बर तक $9 अरब यानी 75,000 करोड़ रुपए से ज्यादा रहा। वहीं अप्रैल नवंबर 2022 में 6.2 अरब डॉलर यानी 50,000 करोड़ रुपए से ज्यादा की मोबाइल फोन का निर्यात किया गया था। इस तेजी में सबसे ज्यादा योगदान दिग्गज अमेरिकी टेक कंपनी एप्पल का है। एप्पल का टारगेट भारत में सालाना 5 करोड़ आईफोन की मैन्युफैक्चरिंग करने का है। इस लक्ष्य के तहत कंपनी का कुछ उत्पादन चीन से बाहर भारत में ट्रांसफर किया जा रहा। एप्पल अगले 2 से 3 महीने में इस योजना को अमली जामा पहनाने के लिए तैयार है। ऐसे में ICEA का अनुमान है मार्च 2024 तक एक साल में $15 अरब यानी 1.24 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा की मोबाइल फोन का निर्यात करने का अनुमान। इस तेजी के दम पर भारत मोबाइल फोन मैन्युफैक्चरिंग में दुनिया में दूसरे नंबर पर आ जाएगा। इस मुकाम तक पहुंचने में भारत को ओरिजिनल इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरर और ओरिजिनल डिजाइन मैन्युफैक्चरर्स के साथ साथ इनके वेंडर के भारी भरकम निवेश ने मदद की है। मोबाइल फोन के निर्यात में आए इस उछाल से भारत के इलेक्ट्रॉनिक्स एक्सपोर्ट को भी बड़ा फायदा मिला। ICEA के मुताबिक अप्रैल से नवंबर तक कुल इलेक्ट्रॉनिक्स एक्सपोर्ट 28% बढ़कर 1,46,584 करोड़ रुपए हो गया। 2022-23 के दौरान 23.6 अरब डॉलर का इलेक्ट्रॉनिक निर्यात हुआ था, जिसमें मोबाइल फोन की हिस्सेदारी 11.1 अरब डॉलर थी। 2023-24 में इलेक्ट्रॉनिक निर्यात के अनुमानित 26 अरब डॉलर में से मोबाइल फोन की 15 अरब डॉलर की हिस्सेदारी होने की उम्मीद है। यानी 2023-24 के कुल इलेक्ट्रॉनिक्स निर्यात में मोबाइल फोन की हिस्सेदारी निर्यात 58% होने का अनुमान है। यही वजह है कि एप्पल और उसके फॉक्सकॉन जैसे वेंडर्स भारत में नए प्लांट पर जमकर निवेश कर रहे हैं। देश में बनाए जा रहे स्मार्टफोन का एक्सपोर्ट बढ़ने से भारत के इलेक्ट्रॉनिक एक्सपोर्ट में भी तेजी दर्ज की जा रही। एप्पल और सैमसंग के उत्पादन में बढ़ोतरी के असर से फोन निर्यात में जबरदस्त ग्रोथ आई है। आंकड़ों की माने तो अप्रैल अक्टूबर में भारत का इलेक्ट्रॉनिक निर्यात 15.5 अरब डॉलर तक पहुँच गया था, जबकि 2022-23 में ये 23.6 अरब डॉलर था। ऐसे में 7 महीने में ही पिछले साल के कुल एक्सपोर्ट के करीब 60% पर पहुंच गया है। इसकी वजह है कि स्मार्टफोन का एक्सपोर्ट इस दौरान 60% बढ़ गया। खैर, जिस तरह से भारत ने दुनिया के हर सेक्टर में तहलका मचाया है, उसके बाद देखना तो ये होगा कि भारत चीन को हर सेक्टर में कितनी जल्दी पछाड़ कर गेम से बाहर करता है और बन जाएगा एशिया का किंग। आपका क्या कुछ कहना है कमेंट कर जरूर बताएं। ब्यूरो रिपोर्ट भारत तक।